हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठा। तो चलिए, इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो बाउल में हमें लेना है 1 कप गेहूँ का आटा। अब ऐड करना है 1 छोटा कटा प्याज, आधी छोटी चम्मच हम ले रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी कटी हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बीट रूट यानी चुकंदर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब ऐड करना है आधी छोटी चम्मच नमक, स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/3 टीस्पून चाट मसाला, 1 मीडियम साइज का आलू जिसे मैंने उबाल के ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टमाटर का प्यूरे, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है 1 मीडियम साइज के टमाटर को। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दही, दही की जगह आप पानी का यूज कर सकते हैं। नरम डो मैंने बना के तैयार कर लिया है, मैं इसमें 1 चम्मच ऐड करूंगी घी और इसे चिकना कर लूंगी। यहाँ पे मैंने होममेड घी का यूज़ किया है, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बहुत ही आसान है होममेड घी बनाना। तो नरम आटा बनके तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करें। किचन फ्लोर पे ही मैं पराठा को बेलूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है सूखा गेहूँ का आटा और अब हम डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम बेलेंगे। पराठा को मैंने बेल लिया है इस तरह से, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा पराठा हमें बेल लेना है। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी बेले हुए पराठे को। दोनों तरफ से मैं इसे पलट पलट के सेक लूंगी। पराठे पे थोड़ा सा तेल लगा के सेकेंगे। इसी तरह से हम और पराठा सेक लेंगे। गरम गरम हेल्दी पराठा बनके तैयार है। आपने देखा, इसे बनाना बहुत आसान था और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ब्रेकफास्ट या इवनिंग टाइम के लिए, लंच डिनर के लिए भी बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही अच्छा बनता है ये देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट लगता है खाने में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।